हेलो स्टूडेंट्स, श्री रघुनाथ स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपन 11th कॉमर्स में जो अपना टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक की अपन बात करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको BST सब्जेक्ट में आपको जो टॉपिक पढ़ाया था, मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में उसको अपन कंप्लीट करेंगे। अपना टॉपिक चल रहा था डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब व्यवसाय, पैसा और रोजगार या नौकरी में अपना अंतर चल रहा था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछला वीडियो अच्छे से पढ़ा है, नोट्स प्रॉपर वे में आप लोगों ने बनाए होंगे। वहां पे मैंने आपको 4 पॉइंट क्लियर कर दिए थे। आज अपन इस वीडियो में इस डिफरेंस वाले टॉपिक को यहीं पे अपन कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, समझना चाहते हो, वो समझ में नहीं आएगी। तो आपको ये वीडियो जो बना रहा हूं उस पर फोकस करना है। अपना जो पांचवा पॉइंट है, 4 पॉइंट तक अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अपना 5th जो पॉइंट है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं इसको तो पूंजी विनियोग या पूंजी निवेश की बात कर रहा है ये, कि आपके पास में जो भी कैपिटल है, जो भी पैसे हैं, वो कहां कहां पे आपको आवश्यकता पड़ती है इन्वेस्टमेंट करने की। देखो बिजनेस की बात करता हूं, लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ये क्या बोल रहा है, हिंदी वाले भी अच्छे से सुनना। ये बोल रहा है कि आपको कैपिटल जो है, आपको पूंजी जो है वो यहां पे बिजनेस में रिक्वायर्ड है, बिना कैपिटल के आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और वो इन्वेस्टमेंट डिसाइड कैसे होगा कि आपको कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, 5 लाख का करना है, 10 लाख का करना है, 50 लाख का करना है, ये इन्वेस्टमेंट डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आपके व्यापार की जो साइज है, आपका व्यापार बड़ी साइज का है, छोटा है, आपका जो व्यापार का नेचर है वो कैसा है, उसके आधार पर आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड होगी। बात समझ में आ रही है? आपके व्यापार की साइज के आधार पर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल पूंजी निवेश जो है वो डिसाइड करना होता है। समझ में आ रही है? मान लो मुझे 2 लाख का व्यापार करना है तो मुझे 2 लाख की कैपिटल की आवश्यकता होगी, मुझे 10 लाख का करना है तो मुझे 10 लाख कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है, तो इसमें आपको सीधा सीधा याद रखना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आपके बिजनेस की साइज के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर प्रोफेशन में क्या होता है, कैपिटल की आवश्यकता होती है क्या? कैपिटल की आवश्यकता होती है, देखो, बट लिखा है लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिश, मतलब इसकी स्थापना के लिए, हिंदी वाले सुन लेना, इसकी स्थापना के लिए आपको लिमिटेड जो है, आपको जो है लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड पूंजी आपको चाहिए होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे, जैसे आपको 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें तो आपके व्यापार के नेचर के आधार पर आप लोगों को कैपिटल चाहिए होती है, इसमें जो है वो लिमिटेड है। मान लो एक डॉक्टर है या एक लॉयर है, एक लॉयर अपनी ऑफिस खोलना चाहता है, एक लॉयर जो है वो अपनी ऑफिस ओपन करना चाहता है, तो उसके ऑफिस में कितना इन्वेस्टमेंट होना आपको पता है, वो 2-2.5 लाख में अपना ऑफिस अच्छे से सेटअप कर सकता है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कर सकता है वहां पे, तो वो लिमिटेड हो गया, उसके बाद में उसकी ऑफिस चलती रहेगी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है, बिजनेस में आपको डेली रूटीन में आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। आपको अगर आपको गुड्स वगैरह, माल वगैरह मंगवाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, लिमिटेड कैपिटल में आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को मैंने बोला है नौकरी की बात करते हैं अपन, कहीं पे मान लो कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं पे कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी उसमें जॉब कर रहा है, ठीक है, कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, चाहे मान लो मैं यहाँ पे स्कूल में जॉब कर रहा हूं, तो स्कूल में अगर मैं मेरा एग्जाम्पल देना चाहूं तो क्या मुझे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी क्या? बिजनेस में तो मुझे 2-5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस देख लो चाहे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा है जहां पे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई भी कैपिटल की नीड नहीं होती है। कहां पे? एम्प्लॉयमेंट में। मैंने एग्जांपल दे दिया, मैं स्कूल में जॉब में आ रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी पहले मुझे कोई इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है वो कहती है कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप जॉब कर सकते हो।
समझ में आ रही है। तो इसका जो अपना फिफ्थ पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा, किसके आधार पर अंतर है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी विनियोग के आधार पर अंतर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 6 की, रिस्क। देखो जी, आपको पता है रिस्क का मतलब खतरा, नुकसान। बिजनेस जहां पे होगा रिस्क उतना ही रहेगा। अरे डर तो रहता है ना, व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ये बात। व्यापार जब आप करते हो, आपको 10 लाख रुपए का कोई अच्छा सा ना आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रखा है, और उस रेस्टोरेंट में आप लोग उसको जब लेके बैठते हो, तो आप जब खोलते हो तो आपके दिमाग में डर रहता है कि मेरे ये जो रेस्टोरेंट है चलेगा नहीं चलेगा, मेरे पास में कस्टमर्स आएंगे नहीं आएंगे, मैंने यहाँ पे जो माल मटेरियल डलवा दिया उसका क्या कंजप्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब ये दिमाग में रिस्क रहता है। प्रॉफिट तो रहता है, प्रॉफिट के साथ में क्या रहता है, रिस्क भी रहता है। देखो क्या कहता है रिस्क में, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर। ये क्या बोल रहा है, जो आपका प्रॉफिट है वो अनिश्चित है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई आप फिक्स थोड़ी कह सकते हो कि मुझे इतना प्रॉफिट तो होगा ही। प्रॉफिट अनसर्टेन होता है, इरेगुलर होता है, मतलब कभी प्रॉफिट ज्यादा कभी कम। इरेगुलर का मतलब ये होता है कभी कम ज्यादा होता रहता है, और अनसर्टेन का मतलब ये होता है अनिश्चित। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाभ जो है वो अनिश्चित और अनियमित होता है। हिंदी वाले जरूर लिख लेना, लाभ अनिश्चित और अनियमित होता है, लेकिन रिस्क इज प्रेजेंट। खतरा या डर जो रिस्क है वो हमेशा रहती है। अच्छे से समझो, कितनी बढ़िया बात बताई है। प्रॉफिट तो अनसर्टेन है, इरेगुलर है, लेकिन रिस्क हमेशा व्यापार में बनी रहती है। क्या पता किसी दिन आपका जो आपने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है वो बंद होने की कगार पे आ जाए, कोई पता थोड़ी होता है कब बंद हो जाए। या ऐसा मान लो कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई है ना जो शॉर्ट सर्किट है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, उसकी वजह से कुछ आपका नुकसान हो गया, वो एक बड़ी रिस्क है। तो वो रिस्क जो है वो हमेशा व्यापार में प्रेजेंट रहती है। अब दिमाग में आप लोगों की हो रहा है कि सर प्रॉफिट हमेशा रहता है, प्रॉफिट अनसर्टेन होता है, आज प्रॉफिट 2000 का है कल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज जितनी रिस्क है कल भी उतनी ही रहेगी। तो रिस्क हमेशा क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। तो ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस में रहेगा, बिजनेस में, ठीक है। इस पे बात करते हैं प्रोफेशन में रिस्क क्या कहता है। फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन। भाई मैंने बताया था कि प्रोफेशन का जो रिवार्ड एंड रिटर्न जो होता है वो फीस होता है, अपन को प्रोफेशन फीस देता है। तो ये बोल रहा है जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर की फीस जनरली क्या रहती है, रेगुलर रहती है, सर्टेन है कि आएगी फीस तो आएगी, भाई पेशेंट जाएंगे पेशेंट आएंगे, ठीक है। इससे क्या मतलब है, इसके पास में जो फीस है वो रेगुलर बनी रहेगी। सम रिस्क, रिस्क जो है वो बहुत कम है, थोड़ी सी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी रिस्क है डॉक्टर के पास में या कोई लॉयर उसके पास बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। यहां पे तो रिस्क प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे सम रिस्क है, थोड़ी सी रिस्क है। किसके साथ में, फीस के साथ में। फीस तो रेगुलर है, हिंदी वाले समझ लेना, फीस तो सामान्यतया क्या होती है, निश्चित होती है। हिंदी में लिख सकते हो आप, फीस सामान्यतया निश्चित होती है, लेकिन कुछ रिस्क जो है वो यहां पे बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट में क्या कहते हैं, नौकरी में क्या कहते हैं, नौकरी में कहते हैं फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। ये क्या बोल रहा है, अच्छे से समझो। एम्प्लॉयमेंट में आपकी जो सैलरी वगैरह है, जो वेतन वगैरह है, वो आपका फिक्स और निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो रिस्क है वो न के बराबर होती है या थोड़ी बहुत होती है, समझ में आ रही है। जैसे मान लो कोई बंदा कहीं बैंक में जॉब कर रहा है, तो उसकी सैलरी तो फिक्स है ना यार, फिक्स सैलरी है, रेगुलर है, हर महीने मिलेगी उसको। अब उसको या तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है या थोड़ी बहुत, लिटिल रिस्क का मतलब थोड़ी बहुत रिस्क रहती है कि वो बैंक के साथ में अगर कोई फ्रॉडबाजी ना करे तो उसके ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। अगर उसने पैसों का ऐसा हेर फेर कर दिया तो उसकी जॉब भी जा सकती है। तो इसमें रिस्क का इतना कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो गया इसका सिक्स नंबर का। सेवंथ नंबर का है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि रूल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, कि रूल रेगुलेशन क्या कैसे कुछ होता है। तो नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब बिजनेस के लिए कोई ऐसा कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई लीगल इंफॉर्मेशन या कुछ अपन को लीगल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई ज्यादा अपन को नियम कायदे नहीं होते, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप। तो ये इसमें कोई ज्यादा विशेष जरूरत नहीं पड़ती है।
इसमें बोल रहा है प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपका जो डिपार्टमेंट जहां से आपने प्रोफेशनल डिग्री आपने ली है, आपने जो सीए किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने डॉक्टरी वगैरह की है, तो उसका जो रूल रेगुलेशन है वो आपको यहां पे प्रोफेशनल में फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें आ गई। एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट में तो वो है जो एम्प्लॉयर आपको बताता है। इसमें रूल रेगुलेशन क्या होगा, जैसे मान लो मैं स्कूल में काम कर रहा हूं तो स्कूल के जो रूल रेगुलेशन है वो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। कोई बैंक में कर रहा है काम तो उसको बैंक के जो बताते हैं वो रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहां पे एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियोक्ता, जो नौकरी देने वाला होता है, नियोक्ता बोलते हैं उसे। तो नौकरी देने वाला जो रूल रेगुलेशन बताएगा वो किस में होगा, एम्प्लॉयमेंट में आपको काम में लेना पड़ेगा। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट में है एग्जाम्पल कि बिजनेस में क्या आता है, प्रोफेशन में क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, वो सारी चीजें देखो। यहाँ पे बिजनेस में देखो क्या आती है, कोई शॉप हो गई, कोई दुकान हो गया, कोई फैक्ट्री वगैरह हो गया, ये सारी फैक्ट्री को कारखाना बोलते हैं हिंदी में। ये जितने भी है शॉप वगैरह है, मॉल वगैरह है, वो सब किस में आते हैं, बिजनेस में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। प्रोफेशनल में क्या आते हैं, जैसे कोई लीगल हो गया, कोई लॉयर वगैरह हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट का कोई डॉक्टर वगैरह हो गया, वो सारा कुछ हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट सीए हो गया, कोई इंजीनियर हो गया। तो ये सब कुछ किस में आता है, प्रोफेशनल में आता है। ये मैंने सब कुछ आपको पहले ही बता दिया था, क्लियर कर दिया था। एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट में आता है बैंक के यहां कोई जॉब करना, कोई बैंक में कोई जॉब कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, एम्प्लॉयमेंट में आएगा। इंश्योरेंस कंपनी में कोई जॉब कर रहे हैं तो वो भी एम्प्लॉयमेंट में आएगा। फिर एक गवर्नमेंट कोई जॉब डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई गवर्नमेंट कुछ है, कोई कुछ है, इसका मतलब वहां पर ये चीजें इसमें एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये कुल मिला के अपना जो अपन ने डिफरेंस पढ़े हैं, इन तीनों में डिफरेंस पढ़े हैं, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों मिलाकर अपन ने 8 जो डिफरेंस इसके हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती, एक एक चीज मैंने हिंदी में भी समझाई है, इंग्लिश वाले इसको एज इट इज लिख सकते हैं, हिंदी वाले जो जैसे मैं पॉइंट क्लियर करता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाएं, ठीक है। तो वो चीज आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई समस्या आती है तो स्कूल में आप आके पूछ सकते हो। तो ये था अपना आज का जो टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।